हेलो चो भाई, इसको स्वागत है जो हमसे बोल रहा है कि 0.4 MSCL तथा 0.9 MSCL के आयतन के किस अनुपात को मिला जाए कि परिणाम मिलने की क्षमता आपके पास नहीं हो जाए। मतलब हम आयतन के किस अनुपात में मिला जाए, मतलब आयतन को होना चाहिए, आयतन को हम किस अनुपात में मिलाएं कि परिणाम मिलने की क्षमता इतनी हो जाए। तो ये बच्चों मिक्सिंग वाला क्वेश्चन, जब कभी भी हम दो को मिक्स करते हैं, जब कभी भी बच्चों आप दो को मिक्स करते हो दो अलग अलग मोलरिटी में, ध्यान रखना उसमें विलेय सेम टाइप का होना चाहिए। तो उस केस हमारे पास जो एम रिजल्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों, आपके पास क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 और डिवाइड बाई V1/2। ये आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चों, जब कभी भी हम लोग दो अलग अलग मोलरता वाले विलयन को मिला के एक नया बनाते हैं परिणामी विलयन, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। जैसे इसको मैं मान लेता, ये आपके पास मोलरता 1 हो जाता, इसको मैं मोलरता 2 मान लेता। हमें V1 और V2 का रेशियो तो निकालना है बच्चों, क्या आपके पास होने वाला है। अब इसी चीज़ को बच्चों आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आप मान लेते कि V1 हमारे पास बच्चों आपके पास x होता, वॉल्यूम 2 हमारे पास, मतलब ये जब ये पहले केस में जब आपके पास मोलरता दी हुई थी, है ना, तो मोलरता तो दी हुई है, बस वॉल्यूम आप x और y मान लो और वैल्यू रखो। एम आर आपके पास बच्चों 0.7 है। एम आर देखो, यहाँ पर एम आर सर आ गए, है ना, और एम आर मतलब मोलरता आपकी जो रिलेटेंट है। एम वन आपके पास बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास 0.4 दिया है, इसको आप V1 मतलब आप इसको मैंने x मान लिया है। ये आपके पास बच्चों 0.9 दिया है, इसको हमने वाई मान लिया, और V1 V2 आपके पास बच्चों एक्स प्लस वाई होगा, इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपके पास 0.7 x क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0.7 y, और ये आपके पास 0.4, बस कैलकुलेशन थी, है ना। अच्छा, ये यहाँ पे एक्स हो जाता 0.4 आपके पास बच्चों हमारे पास, ये आपके पास यहाँ पे एक्स हो जाएगा प्लस 0.9 आपके पास वाई होगा। अब आप एक्स और वाई को एक तरफ करो, एक्स को मैं इधर भेजूंगा और वाई को इधर भेजूंगा, तो देखो 0.4 इधर आएगा, तो ये आपके पास 0.3 x बनेगा, और यहाँ पे आपके पास 0.2 y आपके पास बन जाएगा। अब हमें x बाई वाई का रेशियो निकालना था बच्चों, तो आपके पास 0.2 डिवाइड बाई 0.3 मतलब 2:3 आ जाता। अच्छा क्वेश्चन था, इसका से आपके पास ऑप्शन नंबर B हो जाता। थैंक यू।